सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं फ्री फायर मैक्स की ऑटो हेडशॉट वीआईपी कॉन्फिग फाइल। गाइस आज की वाली कॉन्फिग फाइल वाइट पर्पल 4 की कॉन्फिग फाइल होने वाली है। इस कॉन्फिग फाइल में आप लोग को इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, आप लोग जैसे कि बैकग्राउंड में गेम प्ले देख ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक एकदम एम बॉट इस फाइल में आप लोग को मिलने वाला है। पहले मैं आप लोग को इसके फीचर्स बता देता हूं, आप लोग को इस कॉन्फिग फाइल में मिलने क्या क्या वाला है। सबसे पहली चीज यार एम बॉट जो हर एक कॉन्फिग फाइल में ज्यादातर होती है, लेकिन यार एम लॉक नहीं होता भाई। आप लोग जहां भी एम करोगे आप लोग को ऑटोमेटिक सीधा एट पर एम जाने वाला है। आप लोग चाहे हवा में मारो या फिर आप लोग जमीन में मारो, कहीं भी आप लोग मारो डायरेक्ट एम लॉक हो जाएगा बंदे के सिर पर। और यार इसमें आप लोग को एम बॉट, एम लॉक, नो रिकॉइल और ऐसी बहुत सारी चीजें इस कॉन्फिग फाइल में मिलती है। और यार इस कॉन्फिग फाइल को यूज करने के बाद आप लोग को नो मैच मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे आप लोग रैंक खेलो, क्लैश स्क्वाड खेलो या फिर कोई सा भी मोड खेलो, आप लोग का हर मैच लगने वाला है। और वो भी यार जल्दी जल्दी गेम आप लोग का स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। और आप लोग को इसमें एकदम 80% एंटी बैन फाइल मिलती है। हाँ इसमें मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि आप लोग की आईडी बैन होने के एकदम 0% चांस है, आप लोग की आईडी बैन हो ही नहीं सकती। और अगर आप लोग कस्टम खेल दो ज्यादातर भाई, तब तो यार जिंदगी में आप लोग को कभी आईडी बैन नहीं होने वाली। लेकिन आप लोग अगर ज्यादातर रैंक मैच खेलते हो और अगर आप लोग को एक गेम में ज्यादा रिपोर्ट पड़ जाती तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा आप लोग ज़्यादातर कस्टम ही खेलना, रैंक मैच थोड़ा कम खेलना। और अगर खेलना भी तो भाई जितने भी आप लोग को लोग देख रहे हो, जैसे आप लोग किसी को खेल करते हो और उसके बाद आप लोग को 1, 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तब आप लोग को एकदम हैकर वाले मत मारना। जब आप लोग के एक भी किल नहीं हो तब आप लोग एकदम हैकर वाले मार सकते हो। लेकिन ज़्यादातर यही कोशिश करना कि आप लोग रैंक मैच थोड़ा कम खेलो और कस्टम थोड़ा ज़्यादा खेलो। और बस इस कॉन्फिग फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप लोग जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोग जब कॉन्फिग फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप लोग को अप्लाई कैसे करनी है। तो बस अभी मैं आ चुका हूँ अपने फोन की होम स्क्रीन पर। अब यहाँ से सबसे पहले आप लोग को ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप लोग को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, आप लोग को डाउनलोड वाला फोल्डर मिल जाएगा। जैसे आप लोग ऊपर सर्च करोगे आप लोग को नॉर्मली लिखना है सिर्फ वाइट, आप लोग इतना बस लिख देना। आप लोग के सामने बहुत सारी कॉन्फिग फाइल लिख के आ जाएंगी। आप लोग को सबसे नीचे यहाँ पर देख लोगे वाइट 444 प्रीमियम कॉन्फिग वीआई वाली मेरी कॉन्फिग फाइल है। बस आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है और व्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक और फाइल खुलेगी com.dts फ्री फायर। इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करना है, फिर एंड्रॉइड डाटा ओबीबी मतलब ओबीबी नहीं सॉरी एंड्रॉइड, फिर डाटा में जाना है, फिर आप लोग को अप्लाई टू कॉल फाइल्स वाले राइट पर टिक करना है और बस यहां से आप लोग को पेस्ट कर देना है।